दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन पे भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आती रहेंगी। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे मेरे सामने है मेरी आईलाइनर्स। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा पूरा आईलाइनर कलेक्शन है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ। तो काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी दोस्तों कि मैं अपना आईलाइनर कलेक्शन शेयर करूँ। मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स है जो देखना चाहती थी मेरा कलेक्शन, और मैंने सोचा कि आज मैं मेरा कलेक्शन शेयर करती हूँ। और आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल हो उन लोगों के लिए जो एक अच्छा आईलाइनर, अफोर्डेबल आईलाइनर देख रहे हैं। और दोस्तों, ये सारा जो मेरा कलेक्शन है ये डेफिनेटली अफोर्डेबल रेंज में है, और मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे बताऊँगी कि मेरे पास कौन सा आईलाइनर है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये मेरे पास H&N का लॉन्ग वेयर लिक्विड आईलाइनर है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसकी पैकेजिंग इस तरह से है। शेड जो मैंने लिया है ये है रॉयल ब्लू, और ये वाला मैंने लिया है दोस्तों कफ्स एंड लैशेस स्टोर से। मैं नीचे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो आई थिंक ये उनके स्टोर पे मिल जाना चाहिए, या फिर आपको इजीली ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लोकल स्टोर्स में मिल जाएगा। तो ये H&N का लिक्विड आईलाइनर है। ये सारी जो मैं कलेक्शन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ दोस्तों, लिक्विड आईलाइनर कलेक्शन है। मेरे पास पेंसिल आईलाइनर्स, जेल आईलाइनर्स भी है। आप चाहो तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, बट अभी के लिए मैं लिक्विड आईलाइनर्स का ही कलेक्शन शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रॉयल ब्लू, और मुझे ब्लू कलर का काफ़ी टाइम से एक आईलाइनर चाहिए था, और इस करके मैंने लिया। पैकेजिंग मुझे इसकी बहुत सुंदर लगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, शेड जो है ये रॉयल ब्लू कलर का शेड है, और मैं आपको भी इसे बताती हूँ हल्का सा से शेक करके। इसका मैं आपको भी यहाँ पे स्वॉच दूंगी। ये आप देख सकते हो, बहुत पिगमेंटेड है और बहुत ही सुंदर लगता है आंखों पे लगाने से। कभी कभी मैं जैसे ब्लैक आईलाइनर अगर मुझे लगाने का मन नहीं है तो मैं इस शेड को लगाती हूँ। रॉयल ब्लू शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है। तो दोस्तों, ये रहा H&N का लॉन्ग वेयरिंग लिक्विड आईलाइनर, और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास है दोस्तों, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं हुआ है। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। तो अगर आप कोई ब्लू कलर का आईलाइनर देख रहे हो तो आप इस पर ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो। और कुछ खास बातें इसकी जो है, ये वाटरप्रूफ है और गारंटीड वाला स्टे है। स्टे पावर भी इसकी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि मैंने इसे काफ़ी बार लगाया है तो मुझे पता है कि इसकी स्टे पावर जो है काफ़ी अच्छी है। इसमें डिफरेंट शेड्स, आई थिंक ब्लैक और तरह तरह के शेड्स भी आते हैं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। सो ये रहा H&N का आईलाइनर दोस्तों। नेक्स्ट अप जो मेरे पास है दोस्तों, ये मेरा कुछ ज़्यादा फेवरेट नहीं है। आई थिंक ये मुझे मेरे लेडीरा का बैग में आया था, और ये आई थिंक दी वर्स्ट मेरा आईलाइनर है अभी तक का। और ये भी जो शेड है, ये ब्लू नेवी ग्लीम L802520 शेड है, मेबलिन का मास्टर ड्यो आईलाइनर है। और इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है ड्राई आउट हो चुका था दोस्तों, और इसमें बिल्कुल भी कोई भी प्रोडक्ट अभी बचा नहीं है, बिकॉज ये कम्प्लीटली ड्राई आउट हो चुका है। और जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये लगभग इसी तरह का शेड था बट ऑन अ लाइटर साइड। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, उसकी टिप पे इस तरह का शेड था, और ये मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा लगाया नहीं था, और ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो गया। तो ये मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करूँगी, सजेस्ट भी नहीं करूँगी, बट मैंने इसे यहाँ पे रखा है क्योंकि ये मेरे आईलाइनर कलेक्शंस में से ही है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स, रिसेंटली मैं इसे बहुत यूज़ कर रही हूँ, ये है मैट लुक लैशेस पुशअप आईलाइनर। और ये मेरे मुझे फुलकारी बॉक्स में आया था, जो अभी बेल बैग है इंस्टाग्राम पे, तो उसमें मुझे रिसीव हुआ था। और ये है शेड ब्लैक, और ये बहुत ही प्यारा मैट लुक लैशेस पुशअप आईलाइनर है, वाटरप्रूफ आईलाइनर है। और इसकी पैकेजिंग और इसकी टिप जो है स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये इस तरह से इसकी लंबी सी टिप है, और लगाने में बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत आसानी हो जाती है। और जैसे कि आप देख सकते हो, पिगमेंटेशन इसकी कमाल की है, यहाँ पे मैंने आपको लगाकर बता दिया, और बहुत ही कंफर्टेबली लगता है आंखों पे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और आजकल मैं यही यूज़ करती हूँ दोस्तों। मैं डेफिनेटली आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो, अफोर्डेबल रेंज में ही है। स्पेशली पैकेजिंग इसकी मुझे बहुत सुंदर लगती है। सो ये रहा मैट लुक का लैशेस पुशअप आईलाइनर।
नेक्स्ट दोस्तों, ये मेरा मोस्ट फेवरेट मैं कह सकती हूँ मेरी इस आईलाइनर कलेक्शन में से, बिकॉज ये है मेबलिन का हाइपर ग्लॉसी लिक्विड आईलाइनर और ये मेरा न्यू परचेज है दोस्तों। अभी तक मैंने इसे ओपन किया भी नहीं है और यहीं पे मैं इसे ओपन कर रही हूँ। सो अभी मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने लिया था नायका से सेल पे, 300 रुपये का आता है, बट आपको सेल पे इजिली आपको कम प्राइस में मिल जाएगा, आप सेल पे ही इसे ग्रैब कीजिएगा। और ये आई थिंक मेरी कितनी नंबर की बॉटल है मुझे याद भी नहीं है, मैंने बहुत बार इसे रीपर्चेस किया है और दी बेस्ट आईलाइनर है दोस्तों, हाइपर ग्लॉसी आईलाइनर है। और इसकी भी पैकेजिंग और इसकी टिप जो है मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगती है, वाटरप्रूफ, बिल्कुल वाटरप्रूफ जैसे कहा है उसी तरह का आईलाइनर है ये। मैं आपको बताती हूँ इसकी टिप आप देख लीजिए, बहुत ही कंफर्टेबल टिप है। और यहाँ पे मैं आपको इसका देखिए कितनी कंफर्टेबली लग रहा है, ये बहुत ही सुंदर आईलाइनर है, बहुत पसंद है मुझे ये। सो इसे भी मैं डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर कोई अच्छा आईलाइनर देख रहा है, डेफिनेटली मेबलिन के आईलाइनर्स, हाइपर ग्लॉसी आईलाइनर्स, मस्कारास इनकी काफ़ी अच्छी होती हैं, आईलाइनर्स भी इनकी काफ़ी अच्छी होती हैं। और ये लगाने से दोस्तों एक ग्लॉसी सा जो है इफेक्ट आता है, ये सूख जाएगा तो बिल्कुल ग्लॉसी लुक देता है, इसकी खास बात ये है और मुझे बहुत पसंद आता है ये। सो ये रहा मेबलिन का हाइपर ग्लॉसी आईलाइनर। नेक्स्ट अप दोस्तों, ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है और ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे तो मैं कभी कभी एज आई शेडो भी लगा देती हूँ। तो ये है शिमर, हाफ एंड हाफ का शिमर आईलाइनर, ये मैंने लिया है अफोर्डेबल मेकअप इंडिया इंस्टाग्राम स्टोर से, लुक गॉर्जियस वर्तिका जिनका यूट्यूब चैनल है, शेड है नंबर 23। अगर आपको इसे ग्रैब करना है, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हो उनके स्टोर पे, सिल्वर आ जाता है इसमें, ग्रीन, ब्लू, पिंक, बहुत सारे शेड्स हैं, बट मुझे ये गोल्डन लेना था और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसे मैं आपको इसका एक स्वॉच देती हूँ, बहुत ही प्यारा शेड है जैसे कि आप देख सकते हो, और पिगमेंटेशन देख लीजिए कितनी प्यारी इसकी पिगमेंटेशन है। और इसे मुझे स्पेशली ऐसे आई शेडो लगाना बहुत पसंद है, मैं इसे ज़्यादातर आई शेडो की तरह लगाती हूँ। इसकी टिप भी बहुत कंफर्टेबल है जैसे कि आप देख सकते हो, और पिगमेंटेशन कमाल की है, पैकेजिंग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा मुझे आईलाइनर लगता है ये। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरे पास कौन सा है। नेक्स्ट मेरे पास है एनवाई बे आईलाइनर, जो बिल्कुल मेबलिन की तरह सिमिलर लग रहा है और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी पैकेजिंग, टिप वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसका मैं यहाँ पे आपको स्वॉच देती हूँ, ये देख लीजिए आप, इसकी पिगमेंटेशन भी कमाल की है, टिप भी कंफर्टेबल है और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में। अगर आपको सस्ता अच्छा क्वालिटी का आईलाइनर चाहिए, आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो। और बिल्कुल ये मेबलिन की तरह ही लगता है, सेम टू सेम लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं चलिए कौन सा है। नेक्स्ट अब जो है नेल्फ का वाटरप्रूफ आईलाइनर, ये मैंने नायका से लिया था, बट इससे भी मैं बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। 99 रुपीज़ इसकी प्राइस है, बट मुझे ये सेल प्राइस में मिल गया था और ये भी बहुत ड्राइंग है दोस्तों। इसे मैंने हार्डली शायद एक या दो बार यूज़ किया है एंड आप देख लीजिए बहुत ड्राई आउट हो चुका है, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बचा है। सो डेफिनेटली इसे मैं थ्रैश आउट कर दूंगी, जो भी आईलाइनर सूख गए मेरे, बट ये मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो गया। पता नहीं इसका फॉर्मूला किस तरह से है। पैकेजिंग इसकी मुझे बहुत सुंदर लगी, टिप इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये काफ़ी टाइम चलेगा, बट टोटल लॉस है ये। नेक्स्ट दोस्तों बढ़िया चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, स्टेक वर्क की ब्रांड की तरफ से है और ये इनके भी आईलाइनर्स जो है बहुत अच्छे होते हैं, आप इनमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये स्टेक वर्क का बैड एस आईलाइनर और ये मैंने लिया है ग्रीन शेड में, बैड एस ग्रीन नंबर 3। पैकेजिंग बहुत इसकी मुझे सुंदर लगती है और अंदर से भी मैं आपको इसे बता देती हूँ कितना सुंदर है ये आप देख सकते हो, इस तरह का है, बहुत इसकी सुंदर पैकेजिंग लगती है मुझे, मैट शिमर पैकेजिंग। और मैं आपको इसका शेड बता देती हूँ, टिप इसकी बहुत कंफर्टेबल है, पिगमेंटेशन इसकी कमाल है जैसे कि आप देख सकते हो, और हल्का सा इसमें शिमर शिमर जैसा आता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। और इसमें भी बहुत सारे अच्छे शेड्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हो ज़रूर, बट मुझे ग्रीन में लेना था क्योंकि मेरे पास एक ब्लू है, तो मुझे ग्रीन में लेना था इस करके मैंने ये लिया। और ये मैंने purple.com से लिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, आपको ईजिली वहाँ से मिल जाएगा। बहुत अच्छा आईलाइनर है ये भी। नेक्स्ट दोस्तों मेरे पास ये है अफोर्डेबल से अफोर्डेबल रेंज के आईलाइनर्स है, ये 100 रुपये के अंदर आता है लैक्मे का और ये परसोनी का आई थिंक 40-50 रुपीज़ का आता है। सबसे पहले मैं आपको परसोनी का बता देती हूँ, और जब भी मुझे आईलाइनर लगाना हो मैं ज़्यादातर इसे ही ग्रैब करती हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये भी मेरा वन ऑफ दी फेवरेट्स, मैं ज़रूर कहूँगी इसे। बहुत ही क्यूट सी सिंपल सी बॉटल है और परसोनी के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे हैं लगते हैं और
टिप भी इसकी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल टिप है, पिगमेंटेशन कमाल की है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अमेजिंग पिगमेंटेशन है, और 40-50 रुपए में बढ़िया सा प्रोडक्ट है, सुपर डुपर अफोर्डेबल, सस्ते से सस्ता अगर आपको आईलाइनर लेना है आप इसमें ज़रूर ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ही प्यारा है, बहुत पसंद है मुझे ये। नेक्स्ट दोस्तों सबका फेवरेट है ये लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर, आई थिंक हर मेकअप लवर के पास ये होगा ही, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल रेंज है, 100 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा, और वाटर रेसिस्टेंट आईलाइनर है, अगेन क्वांटिटी काफ़ी अच्छी आती है इसमें, और इसकी भी जो टिप है वो बहुत ही कंफर्टेबल लगती है लगाने में, मैं यहाँ पे आपको स्वॉच देती हूँ, सुपर पिगमेंटेड है, ब्लैक शेड है, और आई थिंक ये हर लड़की के पास होता ही है इस तरह का आईलाइनर, ये भी मैं हाईली हाईली रिकमेंड जरूर करूंगी दोस्तों, लैक्मे का प्रोडक्ट है, डेफिनेटली बढ़िया प्रोडक्ट है। तो दैट्स इट दोस्तों, ये रहा मेरा टोटल आईलाइनर कलेक्शन, और ये मेरे सारे आपको यहाँ पे स्वॉच करके बता दिए हैं शेड्स। डिसअपॉइंटिंग जो आईलाइनर्स है डेफिनेटली ये वाला और ये नेल्फ वाला, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इनमें कभी भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाते हैं और जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। बाकी बेस्ट आईलाइनर्स इसमें से जो भी आप लेना चाहें, आप सारे इसमें से कोई भी आईलाइनर आप ले सकते हो, मेबलिन का डेफिनेटली माय मोस्ट फेवरेट आईलाइनर है, और मेबलिन की तरह ही अगर आप पैकेजिंग सिमिलर देख रहे हो, क्वालिटी सिमिलर देख रहे हो, अफोर्डेबल रेंज देख रहे हो, आई थिंक ये 100 रुपीज़, 100-150 रुपीज़ के अंदर आ जाएगा। एन वाई बे का आईलाइनर है। देन अगर आपको ब्यूटीफुल कलर्स चाहिए, आप स्ट्रेको की या फिर H&N में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत प्यारे शेड्स हैं, ब्लैक में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। देन आपको कोई अफोर्डेबल ग्लिटर आईलाइनर चाहिए, जैसे आप आई शेडो की तरह भी लगा सकते हो, तो डेफिनेटली ये मेरे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों, इसके डेफिनेटली मैं और शेड्स परचेज करना चाहूँगी, सिल्वर में इसमें ट्राई ज़रूर करूँगी, सो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देन सिंपल अगर आपको अफोर्डेबल से अफोर्डेबल आईलाइनर चाहिए, तो आप परसोनी या फिर लैक्मे में ज़रूर ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दोस्तों दैट्स इट, आई होप मेरी ये वीडियो कई सारे लोगों को हेल्पफुल रहे और उनको कुछ आइडिया हो जाए कि कौन सा आईलाइनर उनके लिए ठीक रहेगा, अफोर्डेबल रेंज है तो हर कोई इन्हें ग्रैब कर सकता है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको पसंद आई है इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी आइडिया हो जाए, या फिर अगर कोई अच्छा आईलाइनर ढूंढ रहा है तो उन्हें हेल्प मिले एक आईलाइनर लेने में। तो चलिए दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सा आईलाइनर इसमें से अच्छा लगता है। सो यहीं पर मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड, और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Oh,